तो कठुआ न्यूज 24/7 दिखने सारे दर्शकों को राम राम। तो जिसल मेरे पिछे तुम दिखा करते हो, ये समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी टीम जिन्हें दसा करने की काम करे करती है पानी के टब, जेडे पिछली बार भी ने पूरे शहर से इंस्टॉल किए हे। ये नीले रंग के टब समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी लिखो है, ये पानी है जानवरों के लिए। एक एक बिरले पार्क तो शुरू हो जाते हैं पूरे शहर च, जगह जगह टब लाने हैं। तो मेहरबानी करिए तुम सारे अगे इको पीले ये गंद नहीं सुट्टो, ये कूड़ा जो होंगे ना घर का वो नहीं सुट्टो, वो डस्टबिन सुट्टो, ये तुम पानी पाओ। तो जेडे लोग जेडे पानी पाते बड़ा शैल काम करते, असं गंदा नहीं करो। तो हूँ टीम वाले कन्ने भी गल करिए कि उनका के गलाना इस सारी मुहिम उपर, वो के गलाना चाहते हैं। डोगरी च लोग जेड़ा है ना मता सुनते हैं, कुछ लोग ये मिट्टी जो कूड़ा पाते हैं। जेड़े देखो आधे खंड मिठे डोगरे तो खंड मिठी साड़ी डोगरी बोली, डोगरा की मेरी अपनी ही अपील है कि भाई साहब ये ध्यान रखियो, मेरी माता है, मेरी भैन जिन्हें भी हैं, मेरे भ्रा जिन्हें भी हैं, इसी ध्यान रखे करो। ये जानवर असें लाए ना बेचारे बेजवाना असें, उन्हें कुछ पानी मिली है पीने से, पानी पीए बेचारे आराम ना बैठी सकन। तो ये डस्टबिन इसी डस्टबिन नहीं समझते हो, डस्टबिन साफ लिखना म्युनसिपैलिटी। देखो साफ साफ लिखा इधर आओ जी जी, ये देखो साफ साफ लिखा इतने ड्रिंकिंग वाटर, नरेंद्र जी इधर आइए बोलो। ये लिखे अंग्रेजी ड्रिंकिंग वाटर का मतलब होता पीने वाला पानी, ड्रिंकिंग वाटर मतलब होता पीने वाला पानी। तो उसी पीने वाला पानी बच्चे लोग कूड़ा करकट नहीं पाते, इसी खास ध्यान रखा करो। ये बेजवाना की सेवा जी है बड़े बिरले लोगों मिलती है, जो सानू करने मिलती है उसी उसी साड़ी व्यर्थ नहीं करे करो, डस्टबिन नहीं बनाए करो। उसी बार बार तुम तुंदे अगे ही अपील लोग इसका ध्यान रखे करो, जो पानी नहीं पाई सकते ये कूड़ा नहीं छुट्टा करो। ये अगर ये चीज़ें मुकी हैं साढ़े आने सृष्टि खत्म हो जानी है। सनातन धर्म से सब तो बड़ा सूँ अगर नुकसान होगा नहीं, इन्हें बेजवाना करने होना सूँ नुकसान, जो इनकी कदर नहीं करते। इस कारण जिन्ना हो सकता जिते लगता अपनी मदद को नहीं होंगे, सा नंबर अभी ऑलरेडी मैनशन किया, सूँ फोन करी दसो, आई अभी भी जाप करने पांच बजे बाद अभी सेवा करने, अभी जिसे सूँ मौका मिला अभी अभी सेवा करके। पर इन्हें कि दिखारे नहीं करो, डस्टबिन नहीं समझना नहीं, ये पानी लेने ड्रिंकिंग वाटर लै पानी नहीं पैसे नहीं पाओ, पैसा भी हाथ जोड़ी बेनती है ये कूड़ा नहीं पायो। ठीक है, सेम सा इलाका निका काका जहाँ खड़ा कठुआ है, इतों लेइए बाजार तक, बाजार वाले हटे मोड़ तक, बस सा फर्ज कर करना होता ही। बार बार जी थोड़ी बेनती रहो इसी डस्टबिन नहीं बनाया भराओ, तो सारे बड़ी बड़ी बेनती है। ठीक है, ये पानी पाना पानी बस जा रखे, मिठा पानी नहीं पायो, ये पानी पायो, पानी पायो। पर साढ़े कन्ने एक और जी समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी की एक बेटी है रामिया, रामिया हमेशा ही कन्ने होंगी है। रामिया आपसे हिंदी में बात करो, क्योंकि पिछली बार भी डोगरी में थोड़ा सा कन्फ्यूज है। रामिया किस तरह से देखते हैं इनिशिएटिव जो है समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी द्वारा लिया जाता है? मैं तो यही बोलूँगी, जैसे पिछली बार भी हम लोगों ने ऐसे ही टब इंस्टॉल किए थे और लोगों ने कचरा डाला है, तो मैं लोगों को बोलना चाहूँगी कि हमारे कठुआ में काफ़ी सारे लोग, मतलब लाइक मेजॉरिटी आर पढ़े लिखे लिटरेट, सो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यहाँ पर लगा रखे हैं हमारे जो हैं डस्टबिन के बिन, और वो काफ़ी बड़े हैं। तो कृपया आप देखिए और डिफ्रेंशिएट करिए कि किस में पानी डालना है, किस में कचरा डालना है, और उस हिसाब से काम करें। और वैसे भी अगर अपना घर साफ़ करना है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम दूसरे के घर में कचरा डाल देंगे, तो अगर हम ऐसा करना शुरू हो गए तो सब लोग अपना घर साफ़ करने के चक्कर में बाकी जगहें गंदी कर देंगे, जो बिल्कुल गलत है। तो कृपया सोचें समझें और सोच समझ के चीज़ें करें। रामा एक और गल पूछनी, चलो पशुओं से तो करी था, तो पक्षियों के लिए क्या है? जैसे पक्षी जो रहते हैं वो काफ़ी छोटे रहते हैं, तो वो इन बड़े जो कंटेनर्स हैं इनमें पानी नहीं पी पाएंगे, तो उन सब के लिए भी हम लोग जैसे क्या रहता है, जैसे हमारी दीवारें रहती हैं तो हम दीवारों के ऊपर मिट्टी के बर्तन इंस्टॉल करेंगे ताकि वो लोग भी ठंडा पानी पी सके और उन्हें भी ज़्यादा तकलीफ ना हो। शुक्रिया, धन्यवाद। जिन्ना मरिया कुछ हो।